हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली जयपुर हाईवे फिर जाम, सड़कों पर लगने लगे जाम, पुलिस कर्मियों से भिड़े आंदोलनकारी। बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया है, जिसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी के दल हमने भी सपोर्ट किया है। इस बीच एहतियात के तौर पर बिहार के ज्यादातर जिलों में मोबाइल इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया है, ताकि अफवाहों को रोका जा सके। अग्निपथ योजना के विरोध का चौथा दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध ताबड़तोड़ जारी है। अब इस विरोध में राजनीतिक दलों के उतरने से इसकी व्यापकता और बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को बिहार में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को फूंक दिया था। इसके अलावा यूपी के बलिया में भी एक ट्रेन की कुछ बोगियों को जला दिया गया था। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तो उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। राजस्थान में भी प्रदर्शन और विरोध। राजस्थान में अग्निपथ स्कीम को लेकर चौथे दिन विरोध जारी है। राजस्थान में आज भी कई जिलों में युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई है। हरियाणा से सटे अलवर जिले के बहरोड़ में सैकड़ों की संख्या में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। विरोध के चलते यहाँ तैनात पुलिस से भी प्रदर्शनकारी भिड़ गए। हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। झुंझुनू जिले में भी स्टूडेंट्स ने सड़कें जाम करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के चिड़ावा कस्बे में छात्रों से पुलिस की झड़प भी हुई है। सभी जिलों में प्रदर्शन की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से एक खास रिपोर्ट।